गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम माइक्रो प्रोसेसर 8085 के जो 50 क्वेश्चन आपको लिंक बॉक्स में दिए गए थे उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि नीचे रजिस्टर दिए गए हैं, तो एक्यूमुलेटर और फ्लैग, बी व सी, डी वे ई, एच और एल, तो निम्न में किनका रजिस्टर पेयर 16 बिट संभव होता है। तो मैंने आपको बताया था कि साधारण रजिस्टर कौन से होते हैं, बी सी डी ई और एच और एल होते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक रजिस्टर होता है वो कितना बिट होता है, 8 बिट होता है। कितना बिट होता है, 8 बिट। तो यहां पर इनके पेयर बनाए जाए बी सी डी ई और एच एल, तो ये कितने बिट होंगे, 16 बिट होंगे। कितने बिट होंगे, 16 बिट होंगे। जबकि यहां पर एक्यूमुलेटर और फ्लैग दिया गया है, तो एक्यूमुलेटर तो कितना बिट होता है, 8 बिट होता है, ठीक है। एक्यूमुलेटर तो 8 बिट होता है और फ्लैग होता है वो कितना बिट होता है, 5 फ्लैग है तो 5 बिट हो चुका है, ठीक है। तो यहां पर 16 बिट रजिस्टर पेयर पूछा गया है, तो कौन सा होगा, बी सी होगा, डी ई होगा और एच एल होगा। तो ये ऑप्शन कौन सा सही है, फर्स्ट में बी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। दो नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि माइक्रो प्रोसेसर 8085 में रेडी सिग्नल क्यों प्रयोग किया जाता है। तो मैंने आपको कंट्रोल सिग्नल बताए थे रेडी, तो रेडी में मैंने ये बताया था कि आपका जब प्रोसेसर किसी स्लो इनपुट आउटपुट डिवाइस से कनेक्ट होता है तो उस समय क्या प्रदर्शित करता है, वेट स्टेट प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार यहां पर दो नंबर क्वेश्चन में कौन सा सही है, आपका बी है। जब प्रोसेसर स्लो इनपुट डिवाइस से कम्युनिकेट होता है तो वेट स्टेट प्रदर्शित करता है। तो सेकंड में भी आपका कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि आपको यहां पर फ्लैग दी गई है और पूछा गया है कि माइक्रो प्रोसेसर 8085 में कौन सी फ्लैग होती है। तो आप सभी जानते हो कि माइक्रो प्रोसेसर 8085 में 5 फ्लैग होती है। कितनी फ्लैग होती है, 5 फ्लैग होती है, ठीक है। पहली कौन सी होती है, एस, दूसरी जेड, ठीक है, फिर तीसरी एसी, फिर पैरिटी और फिर कैरी। एस का मतलब क्या होता है, साइन होता है, जेड का मतलब क्या होता है, जीरो होता है, एसी का मतलब क्या होता है, ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी, कैरी होती है, और पी का मतलब क्या होता है, पैरिटी होती है, और सी वाई का मतलब क्या होता है, कैरी होती है। तो ये 5 फ्लैग होती है किसमें, माइक्रो प्रोसेसर 8085 में। तो यहां पर हमें दी गई है साइन फ्लैग होती है फर्स्ट, सही है। सेकंड, ट्रिप्स फ्लैग नहीं होती है, पैरिटी होती है और ऑक्सिलरी कैरी भी होती है। तो ये 1, 3 और 4, तो कौन सा ऑप्शन सही है 3 में, डी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि माइक्रो प्रोसेसर 8085 डाटा बस व एड्रेस बस को मल्टीप्लेक्स क्यों किया जाता है। तो आपको मैंने बताया था कि जब ALE एड्रेस लैच इनेबल होता है उसका मान जब 1 होता है तो टोटल 16 बिट होते हैं, 16 बिट होते हैं वो एड्रेस लाइन का कार्य करती है। किसका, एड्रेस लाइन का कार्य। जबकि इसका मान जब 0 हो जाता है तो लोअर 8 बिट, लोअर 8 बिट डाटा ले जाने का कार्य करती है और अपर 8 बिट
अपर एडमिट एड्रेस ले जाने का कार्य करती है। तो यहां पर जो 16 एड्रेस लाइन होती है वो मल्टीप्लेक्स का कार्य करती है, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या कारण है कि इनको मल्टीप्लेक्स कराने की आवश्यकता पड़ रही है, तो यहां पर पिन की संख्या को क्या करना है, हमारा टारगेट कम करने का रहता है, तो पिन की संख्या को घटाने का रहता है। तो 4 नंबर में आपका बी ऑप्शन सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पांच में यहां पर क्या दिया गया है कि माइक्रो प्रोसेसर 8085 में एएलयू यूनिट में होता है। तो मैंने एएलयू यूनिट में बताया था आपको कि एएलयू यूनिट एक्यूमुलेटर, उसके बाद में फ्लैग, टेम्परेरी रजिस्टर व अर्थमेटिकल सर्किट, अर्थमेटिक व लॉजिकल सर्किट से मिलकर के एएलयू यूनिट का निर्माण होता है, एएलयू यूनिट का निर्माण होता है। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, एक्यूमुलेटर, टेम्परेरी रजिस्टर, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल सर्किट और 5 फ्लैग होती है। तो 5 में आपका डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर छह में यहां पर पूछा गया है कि माइक्रो प्रोसेसर 8085 में 5 फ्लैग होती है। तो 5 फ्लैग कौन सी होती है, एस, जेड, ए, सी, पी और सी वाई, ये 5 क्या होती है, फ्लैग्स होती है। तो ये कौन सा ऑप्शन सही है 6 में, यहां पर आपका ए ऑप्शन सही है। 6 में आपका कौन सा सही है, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर सात में दिया गया है माइक्रो प्रोसेसर 8085 में इंस्ट्रक्शन की फर्स्ट मशीन साइकिल कौन सी होती है। तो मैंने बताया था वहां पर 5 बेसिक मशीन साइकिल होती है, 5 बेसिक मशीन साइकिल होती है। तो वहां पर सबसे पहली होती है ओपकोड फेच, ठीक है। उसके बाद में आपका आता है मेमोरी रीड, उसके बाद में मेमोरी राइट, उसके बाद में इनपुट आउटपुट रीड और उसके बाद में इनपुट आउटपुट क्या होता है, राइट होता है। ये बेसिक 5 मशीन साइकिल होती है। तो यहां पर क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि फर्स्ट मशीन साइकिल होती है तो वो कौन सी होती है, ओपकोड फेच होती है। तो 7 का ऑप्शन कौन सा सही है, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर आठ क्वेश्चन में पूछा गया है कि माइक्रो प्रोसेसर 8085 में आउटपुट पिन कितनी होती है। तो मैंने बताया था माइक्रो प्रोसेसर 8085 है उसमें टोटल पिन होती है वो कितनी होती है, 40 होती है, ठीक है। और आउटपुट जो पिन होती है वो कितनी होती है, 27 होती है। और इनपुट पिन होती है वो क्या होती है, 21 होती है, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है आउटपुट पिन का, तो आउटपुट पिन कितनी है, 27 है। तो माइक्रो प्रोसेसर 8085 में 27 आउटपुट पिन होती है। तो 8 में कौन सा सही है, बी ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 आता है, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि माइक्रो प्रोसेसर 8085 में 16 बिट रजिस्टर होते हैं। तो आपको मैंने बताया था कि जो प्रोग्राम काउंटर होता है और स्टैक पॉइंटर होता है ये दोनों ही रजिस्टर क्या होते हैं, 16 बिट होते हैं। कितने बिट होते हैं, 16 बिट होते हैं। तो यहां पर 9 नंबर क्वेश्चन में यहां पर कौन कौन सा दिया है, स्टैक पॉइंटर भी दिया है
आपको और प्रोग्राम काउंटर भी दिया है। इस प्रकार नोप में कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि माइक्रो प्रोसेसर 8085 में टेम्परेरी रजिस्टर कौन से होते हैं? तो आपको मैंने बताया था कि जनरल जनरल पर्पज रजिस्टर, जनरल पर्पज रजिस्टर में कौन से आते हैं? बी सी डी ई एच और एल, ठीक है। जबकि स्पेशल पर्पज में कौन से आते हैं? स्पेशल पर्पज रजिस्टर, स्पेशल पर्पज रजिस्टर में आते हैं स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर, उसके बाद में बचता है टेम्परेरी रजिस्टर। तो टेम्परेरी रजिस्टर में आपका कौन सा आता है? यहां पर डब्ल्यू एंड जेड रजिस्टर आता है। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 10 में आपका डी ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि निम्न में रजिस्टर पेयर मेमोरी को प्रदर्शित करता है? हमेशा ध्यान में रखना बी सी डी और ई, ये हमेशा डाटा को प्रदर्शित करते हैं। किसको प्रदर्शित करते हैं? डाटा को। जबकि एच एल रजिस्टर है, एच और एल रजिस्टर है, ये हमेशा मेमोरी को प्रदर्शित करते हैं और इन्हें डिफॉल्ट रजिस्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफॉल्ट रजिस्टर भी कहते हैं। तो यहां पर 11 में कौन सा आंसर सही होगा? आपका सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर कितने बिट होता है? अब आपको पता है माइक्रो प्रोसेसर 8085 है वो तो आपका 8 बिट होता है, ठीक है, और यहां पर 8086 होता है वो 16 बिट होता है। तो यहां पर आपसे 8085 पूछा गया है, तो यहां पर ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा। और यदि 8086 पूछा जाता है तो आपका यहां पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है इंटेल 8086 माइक्रो प्रोसेसर किस वर्ष निर्मित किया गया था? तो मैंने आपको जब प्रोसेसर पढ़ाया था तो जो 8085 है वो तो 1977 में आया था। कब आया था? 1977 में। जबकि 8086 है वो 1978 में आया था। तो यहां पर 13 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन कौन सा होगा? ए ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है? किस इंटरप्ट का हाईएस्ट वरीयता दी गई है? तो मैंने आपको बताया था कि हार्डवेयर इंटरप्ट 5 प्रकार की होती है। हार्डवेयर इंटरप्ट कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है, ठीक है। तो वहां पर सबसे पहले मैंने वरीयता क्रम किसको दिया था? ट्रैप को दिया था। और ट्रैप को ही किस नाम से जाना जाता है? RST 4.5 के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में सेकंड इसमें जो हार्डवेयर इंटरप्ट है वो कौन सी है? RST 7.5। और थर्ड कौन सी है आपकी? RST 6.5। और फोर्थ कौन सी है? RST 5.5। और फिफ्थ कौन सी है? इंटर। तो यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है? फर्स्ट वरीयता किसे दी गई है? तो यहां पर प्रथम वरीयता किसे दी गई है? ट्रैप को दी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कौन सा होगा? बी होगा। कौन सा होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर 15,
नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है कि ट्रैप को किस नाम से जाना जाता है? तो आप देख सकते हो कि ट्रैप है उसे RST 4.5 के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां पर 15 नंबर क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है लेवल ट्रिगरिंग इंटरप्ट है। तो मैंने आपको पांच इंटरप्ट बताई थी, जैसे ट्रैप बताई, ठीक है, उसके बाद में RST 7.5, फिर RST 6.5, फिर RST 5.5, फिर एंटर एंटर बताई थी। तो ट्रैप होती है उसमें ट्रिगरिंग कौन सी होती है? एज भी होती है, लेवल भी होती है। एज और लेवल दोनों ट्रिगरिंग होती है ना। जबकि RST 7.5 होता है उसमें केवल एज ट्रिगरिंग होती है। कौन सी होती है? एज ट्रिगरिंग। और इन तीनों में कौन सी होती है आपकी? लेवल ट्रिगरिंग होती है। कौन सी होती है? लेवल ट्रिगरिंग होती है। इसमें भी लेवल होती है, इसमें भी लेवल और इसमें भी लेवल होती है। तो यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है? लेवल ट्रिगरिंग इंटरप्ट है। तो पहला इंटर दिया है, लेवल होता है लेकिन ट्रेव नहीं हो सकता। तो यहां पर ऑप्शन बी सही होगा। 16 में कौन सा ऑप्शन सही है आपका? बी ऑप्शन सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में यहां पर आपसे पूछा गया है कि लेवल सेंसिटिव इंटरप्ट नहीं है। तो आप देखिए कि यहां पर ये लेवल और एज दोनों है, और यहां पर ये तीनों है क्या है? लेवल है, जबकि ये क्या है? लेवल नहीं है। तो लेवल सेंसिटिव कौन सी नहीं है? RST 7.5। तो कौन सा ऑप्शन सही है 17 में? आपका बी ऑप्शन सही है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है सॉफ्टवेयर इंटरप्ट कौन सी होती है? तो मैंने आपको सॉफ्टवेयर इंटरप्ट बताई थी, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होती है वो 8 होती है। कहां से कहां? RST 0, ठीक है, RST 1 से लेकर के RST 7 तक होती है। ठीक है, तो ये कौन सी है? सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है। तो 18 में कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ए ऑप्शन सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है? माइक्रो प्रोसेसर 8085 में कौन सी स्टैक प्रयोग की जाती है? तो स्टैक में पूछा गया है आपसे कौन सी स्टैक। तो मैंने एग्जाम्पल बताया था कि जैसे आपने यहां पर कोई बुक रखी, जैसे इंग्लिश की रख दी, ठीक है, सबसे पहले क्या रखी? इंग्लिश। इसके ऊपर आपने कौन सी रख दी? मैथ। ठीक है, उसके बाद में आपने इसके ऊपर कौन सी रख दी? हिंदी। ठीक है, तो अब आपको इंग्लिश की बुक की आवश्यकता है, तो आप सबसे पहले किसको हटाओगे? हिंदी को, फिर मैथ को, फिर इंग्लिश पर आप। तो यानी यहां पर कौन सा होगा? लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो लीफो हो गया। तो लीफो कौन सा है 19 में? बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 20। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि माइक्रो प्रोसेसर 8085 को 8-बिट प्रोसेसर क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको पता है कि जो ALU होता है, आपका अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होती है,
वो एट बिट होता है, यानी वो एट बिट डाटा का क्या कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है, यानी उसका ऐड कर सकता है, सब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, मल्टीपल कर सकता है। तो यहाँ पर इसका मुख्य कारण क्या है, प्रोसेसर में एएलयू क्या होता है, एट बिट होता है। तो यहां पर 20 का ए ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा गया है कि सिम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो SIN, ठीक है, और एक होता है RIM, ठीक है। तो सिम का मतलब होता है सेट इंटरप्ट मास्क, ठीक है, और रिम का क्या होता है, रीड इंटरप्ट मास्क। तो यहां पर किसका पूछा गया है, सिम का पूछा गया है। तो 21 में कौन सा ऑप्शन सही है आपका, सी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो अब इसे मिटा देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका आता है 22। 22 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि माइक्रो प्रोसेसर 8085 में RST3 का एड्रेस, तो RST3 का एड्रेस पूछा गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 को किससे गुणा कराएंगे, 8 से गुणा कराएंगे, तो 3 × 8, तो 8 × 3 कितना हो गया, 24, ठीक है। और इस 24 में भाग किसका देंगे हम, 16 का भाग देंगे, तो 16 एक बार गया, बच गया कितना, 8। तो इस प्रकार से आपने लिखा तो 1 8 हो गया, ठीक है। हेक्साडेसिमल में इसे 4 बिट में लिखोगे तो 2 जीरो आगे लगा दो, हेक्साडेसिमल में 0018 अटैच आ गया। तो यहां पर ऑप्शन कौन सा सही है 22 में, 22 में आपका सी ऑप्शन सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है कि ट्रैप का एड्रेस होता है, तो देखिए ट्रैप होता है उसको दूसरे नाम से क्या जानते हैं, RST 4.5। तो 4.5 को आप किससे गुणा कराओगे, 8 से गुणा कराओगे, तो 8 × 5 = 40, 0 × 8 = 32 और 4 = 36.1 के बाद, ठीक है। तो अब इस 36 में आप भाग किसका दोगे, 16 का भाग दोगे, तो 16 × 2 = 32 और शेष कितना बच गया, 4, तो कितना हो गया, 24, ठीक है। हेक्साडेसिमल में लिखोगे तो 2 जीरो आगे लगा दो, तो 0024H आ जाएगा। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 23 में आपका कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है माइक्रो प्रोसेसर 8085 में डाटा व एड्रेस बस। तो आपको पता है कि डाटा और एड्रेस बस, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, मल्टीप्लेक्स, मल्टीप्लेक्स्ड, ठीक है, क्योंकि यहां पर जो 16 बिट एड्रेस लाइन होती है वो डाटा लेने और ले जाने का कार्य भी करती है, एड्रेस ट्रांसफर करने का कार्य भी करती है, इसलिए इसे मल्टीप्लेक्स्ड कहते हैं। तो 24 में कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ए ऑप्शन सही है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि ALU की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो ध्यान में रख लेना, ALU का मतलब क्या होता है, अर्थमैटिक एंड अर्थमैटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। तो कौन सा होता है, अर्थमैटिक लॉजिकल यूनिट। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन सही है 25 में आपका, डी ऑप्शन सही है, ठीक है। इसके अलावा ALE की भी पूछ ली जाती है, ठीक है ना, तो ALE की भी फुल फॉर्म ध्यान में रखना, एड्रेस
लैच इनेबल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, निम्न में कौन सी इंटरप्ट वेक्टर नहीं है, वेक्टर नहीं है। तो मैंने आपको 5 बताई थी, आर एस टी सबसे पहले कौन सी बताई थी, ट्रैप। ठीक है, उसके बाद में आर एस टी 7.5, आर एस टी 6.5, आर एस टी 5.5, और कौन सी बताई, इंटर। तो मैंने बताया था वेक्टर इंटरप्ट क्या होती है, वे इंटरप्ट जिनका कोई मेमोरी में स्पेसिफिक या विशिष्ट एड्रेस लोकेशन होता है वो क्या कहलाती है, हमेशा आपकी वेक्टर इंटरप्ट होती है। जैसे हम हैं तो हमारा क्या है, कोई ना कोई एड्रेस है, यानी हम किसी स्थान पे मिलेंगे। जैसे मेरा कोई एड्रेस है कि मैं अपने घर पे रहता हूं, तो मेरे घर का एड्रेस है, तो मैं क्या हूं, एक वेक्टर इंटरप्ट हूं। ठीक है, जैसे कुछ लोग घुमक्कड़ होते हैं, आज यहां पर है कल दूसरे स्थान पे होते हैं, तो उनका कोई निश्चित एड्रेस नहीं होता है, तो उन्हें क्या कहते हैं, नॉन वेक्टर इंटरप्ट कहते हैं। तो यहां पर ये जो चारों इंटरप्ट होती है, ये कौन सी होती है, वेक्टर होती है, और जो इंटर है ये क्या है, आपकी नॉन वेक्टर है। क्या है, नॉन वेक्टर। तो यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है 26 नंबर क्वेश्चन में, कि इंटरप्ट वेक्टर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि नॉन वेक्टर। तो 26 में कौन सा सही है, आपका बी ऑप्शन सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है कि माइक्रो प्रोसेसर 8085 में टोटल पिन कितनी होती है। तो आप सभी को मैंने पहले भी बता दिया है कि टोटल पिन इसमें कितनी होती है, 40 होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है RST6 का एड्रेस। 28 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है RST6 का एड्रेस। तो 6 को गुणा कराओ, 8 से 6 अटो 48। ठीक है, अब इस 48 में किसका भाग दोगे, 16 का। तो 16 दूनी 32, 16 तीन 48, तीन बार चला गया, शेष क्या बचा, 0। तो कितना हुआ, 30H, और आगे डबल 0 लगा दिया, तो 003H। तो 28 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे पूछा क्या गया है कि HLT ओपकोड का मतलब क्या होता है। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि जब हम कोई भी प्रोग्राम का एंड करते हैं तो लास्ट में क्या लिखते हैं, HLT या HALT भी लिख सकते हो। तो हमेशा HLT का मतलब क्या होता है, प्रोग्राम एंड करना, प्रोग्राम एंड। ठीक है, तो 29 में आपका कौन सा सही है, डी ऑप्शन सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि माइक्रो प्रोसेसर 8085 में इंटरप्ट मास्केबल होती है। मास्केबल इंटरप्ट का पूछा गया है, तो 5 इंटरप्ट कौन सी है, आपकी ट्रैप है। ठीक है, उसके बाद में RST 7.5 है, फिर RST 6.5 है, RST 5.5 है, और इंटर। ठीक है, सबसे पहले मतलब समझते हैं मास्केबल क्या होती है, नॉन मास्केबल क्या होती है। तो वे इंटरप्ट जिन्हें प्रोसेसर द्वारा दूर किया जा सकता है वो मास्केबल कहलाती है, और जिन इंटरप्ट को प्रोसेसर के द्वारा रिमूव नहीं किया जा सकता या हटाया नहीं जा सकता वो नॉन मास्केबल कहलाती है। तो यहाँ पर मैंने पहले भी बताया था कि ट्रैप क्या होती है, नॉन मास्केबल होती है। क्या होती है, नॉन मास्केबल, जबकि ये जो चारों हैं ये क्या होती है, मास्केबल होती है। ठीक है, तो यहां पर 30 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे कि माइक्रो प्रोसेसर 8085 में मास्केबल इंटरप्ट कितनी होती है। तो 4 होती है, और 4 ऑप्शन किसमें है,
31 में सी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंस्ट्रक्शन का साइज पूछा गया है। तो मैंने आपको बताया था कि जो इंस्ट्रक्शन होती है वो क्या होती है, कमांड होती है। क्या होती है? कमांड होती है, जिस पर कंप्यूटर क्या करता है, उस कमांड के अनुसार ही किसी भी टास्क को पूर्ण करता है। तो इनका जो साइज होता है वो 1 byte भी हो सकता है, 2 byte भी हो सकता है और 3 byte भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन सही है? 31 नंबर क्वेश्चन में आपका बी ऑप्शन सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि माइक्रो प्रोसेसर 8085 में निम्न में से कौन सी एड्रेस टेक्निक प्रयोग नहीं लाई जाती है। तो मैंने एड्रेसिंग मोड बताए थे आपको। तो सबसे पहला एड्रेसिंग मोड कौन सा होता है? इमीडिएट होता है, इमीडिएट होता है। दूसरा कौन सा बताया था? डायरेक्ट बताया था, ठीक है। तीसरा कौन सा होता है? इनडायरेक्ट होता है। और चौथा कौन सा होता है? रजिस्टर होता है। और पांचवा कौन सा होता है? इम्प्लिक्ट होता है, ठीक है। ये सभी क्या है? एड्रेसिंग मोड है। तो यहां पर देखिए ये 5 है, इनमें से कौन कौन से ऑप्शन मैच कर रहे हैं? रजिस्टर सही है, इमीडिएट सही है, इनडायरेक्ट सही है, रिलेटिव नहीं होता है, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर 8085 में एड्रेस टेक्निक प्रयोग में नहीं लाई जाती है वो कौन सी है? रिलेटिव है। जबकि ये 5 एड्रेस टेक्निक है प्रयोग में लाई जाती है। तो 32 में आपका डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि डीएमए का डाटा ट्रांसफर किसके मध्य होता है। तो मैंने आपको बताया था कि यहां पर आपका क्या होता है? प्रोसेसर होता है, यहां पर आपकी क्या होती है? मेमोरी होती है, यहां पर क्या होता है? डीएमए कंट्रोलर होता है, और यहां पर आपका क्या होता है? इनपुट आउटपुट डिवाइस होती है, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि यदि डीएमए कंट्रोलर नहीं होता था तो हमेशा क्या होता था? मेमोरी और इनपुट आउटपुट के मध्य डाटा ट्रांसफर करने के लिए प्रोसेसर का यूज किया जाता था। लेकिन यहां पर क्या है कि होल्ड और एचएलडीए सिग्नल के माध्यम से डीएमए कंट्रोलर क्या करता है? डायरेक्ट मेमोरी और इनपुट आउटपुट के मध्य डाटा ट्रांसफर कर सकता है। तो डाटा किसके मध्य ट्रांसफर होता है? मेमोरी और इनपुट आउटपुट के मध्य। तो कौन सा ऑप्शन सही है? 33 में बी ऑप्शन आपका सही है। अब कभी कभार क्या होता है, डीएमए की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। तो डीएमए की फुल फॉर्म क्या होती है कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को निष्पादित होगा उसके एड्रेस को कौन स्टोर रखता है। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे ये आपका क्या है? प्रोसेसर है, ये आपका माइक्रो प्रोसेसर है, ये आपकी क्या है? मेमोरी है। तो मेमोरी में कोई इंस्ट्रक्शन है, ये फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है, ये क्या है यहाँ पे? इंस्ट्रक्शन सेकंड है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है और इसका एड्रेस मान लेते हैं कि यहाँ पे एड्रेस है इसका 2001 हेक्साडेसिमल में, इसका 2002, इसका 2003, ठीक है, हेक्साडेसिमल। तो सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो ओपकोड होगा वो किस में आएगा? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आएगा, उसके बाद में डिकोडर में आएगा। जबकि यहां पर जो प्रोग्राम काउंटर होगा, तो अब देखिए सबसे पहले इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में किसका ओपकोड है? फर्स्ट इंस्ट्रक्शन का है। तो जो आगे जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आएगी उसके एड्रेस को कौन स्टोर रखेगा? प्रोग्राम काउंटर रखेगा। कौन रखेगा? प्रोग्राम काउंटर रखेगा।
तो यहां पर 34 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो निष्पादित होगी उसके एड्रेस को कौन स्टोर रखता है, प्रोग्राम काउंटर रखता है। तो 34 में आपका सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 35। 35 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि माइक्रो प्रोसेसर बना होता है। तो माइक्रो प्रोसेसर में मैंने बताया था आपको कि यहां पर ये आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइस है, यहां पे क्या होता है रजिस्टर, एएलयू, सीयू, और इसके साथ मेमोरी जोड़ते हैं हम। ठीक है, और यहां पर क्या होती है आपकी, ये इनपुट डिवाइस है और ये आउटपुट डिवाइस है। तो ये भाग होता है ये माइक्रो प्रोसेसर कहलाता है। और यदि इसमें क्या होता है, इस भाग में मेमोरी और जोड़ दी जाती है तो किसका निर्माण होता है, सीपीयू का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, सीपीयू का। तो रजिस्टर, एएलयू और सीयू से मिलकर के किसका निर्माण होता है, माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण होता है। तो यहां पर ऑप्शन 35 में कौन सा सही होगा, डी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 36। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है रजिस्टर द्वारा स्टोर किया जाता है। तो मैंने आपको रजिस्टर बताया था बी सी डी और ई, ये सभी हमेशा डेटा को स्टोर करते हैं, जबकि एचएल क्या है, डिफॉल्ट रजिस्टर है जो मेमोरी का कार्य करता है। ठीक है, तो यहां पर रजिस्टर द्वारा स्टोर किया जाता है तो हमेशा क्या हो, ऑप्शन सही होगा डेटा। तो 36 में आपका ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 37। 37 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में कंट्रोल सिग्नल नहीं है, रीड राइट रीसेट और नन। तो रीड राइट कंट्रोल सिग्नल है, जो रीसेट क्या है, एक कंट्रोल सिग्नल नहीं है, ये क्या है, एक एक्सटर्नल सिग्नल है। तो 37 में आपका सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38। 38 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है बी आई यू की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो इसकी बी आई यू की क्या होती है, बस इंटरफेस यूनिट। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है यहां पर, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए इंस्ट्रक्शन स्टोर रहती है, यानी प्रोग्राम किसमें स्टोर रहता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है रैम, तो रैम में तो स्टोर नहीं हो सकता क्योंकि एक रीड राइट मेमोरी है, सीडी रोम में भी नहीं हो सकता। तो यहां पर ऑप्शन कौन सा सही है, रोम, रीड ओनली मेमोरी। तो 39 में आपका सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40। 40 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कंप्यूटर बना होता है। तो आपको पता है कि कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट डिवाइस होती है, मेमोरी होती है और सीपीयू होती है। तो सीपीयू है उसमें आपका क्या होता है, एएलयू, सीयू और रजिस्टर होता है। तो 40 का यहां पर डी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 41। 41 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कंप्यूटर डाटा में एरर को किस नाम से जाना जाता है। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि कंप्यूटर डाटा में एरर आती है उसे बग नाम से जाना जाता है। तो यहां पर 41 में आपका बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 42। एक 32 बिट प्रोसेसर की वर्ड लेंथ कितनी होगी। 32 बिट है, ठीक है, तो इसे बाइट में चेंज करते हो तो 1 बाइट में 8 बिट होते हैं, तो 8 का भाग दोगे तो कितना बिट आ गया, यहाँ बाइट हो गया, यहाँ पर 4 बाइट आ चुका है। कितना आ चुका है, 4 बाइट आ चुका है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है 43। ठीक है, 43 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्न में कौन सी मेमोरी डेटा एक्सेस करने में सबसे कम समय लेती है।
तो मैंने आपको एक दिन पैरामिड बना करके बताया था कि सबसे ज्यादा ध्यान में रखना है कि सबसे अधिक स्पीड किसकी होती है, रजिस्टर की होती है, उसके बाद में आपकी कैच मेमोरी की होती है, उसके बाद में आपकी मेन मेमोरी की होती है, उसके बाद में सेकेंडरी। तो स्टोरेज की क्षमता पूछी जाए तो ये ध्यान में रख लेना स्टोरेज, ठीक है। और स्पीड पूछा जाए तो यहां पर इसको ध्यान में रख लेना, ये स्पीड का है, ठीक है। तो स्टोरेज क्षमता सबसे ज्यादा किसकी होती है, यहां से देखिए सेकेंडरी की, उसके बाद में मेन की, उसके बाद में कैच की, और सबसे कम स्टोरेज क्षमता किसकी होती है, रजिस्टर। और रजिस्टर भी किससे मिलकर बना होता है, फ्लिप फ्लॉप से मिलकर। जबकि स्पीड की बात की जाए तो स्पीड सबसे अधिक रजिस्टर की, उसके बाद में कैच की, उसके बाद में मेन की, उसके बाद में सेकेंडरी की। तो यहां पर 43 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि किस में सबसे कम समय लगता है, तो यहां पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, कैच। तो 43 में आपका ए ऑप्शन सही है, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन, 44 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में कौन सी मेमोरी रीड राइट ऑपरेशन को प्रदर्शित करती है, तो हमेशा ध्यान में रखना है रोम ओनली रीड को प्रदर्शित करता है, ओनली रीड। जबकि रैम होती है उसे रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर 44 में पूछा गया है कि निम्न में मेमोरी रीड राइट ऑपरेशन प्रदर्शित करती है, तो वो कौन सी है, रैम है। तो 44 में आपका बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्यूटर का कौन सा पार्ट कैलकुलेशन व कंपेयर करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो हमेशा आपको पता होता है कि एएलयू होता है, वो हमेशा क्या करता है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट है। तो इसमें अर्थमेटिकल में आपका क्या क्या आता है, ऐड आ जाता है, सबस्ट्रैक्ट आ जाता है, और इंक्रीमेंट हो आ जाता है, डिक्रीमेंट आ जाता है, और लॉजिकल यूनिट में कौन सा आता है, आपका एंड आ गया, और आ गया, एक्स और आ गया, ठीक है, कंपेयर आ गया, ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट आ गया। ये सब ऑपरेशन इसमें किए जाते हैं। तो यहां से क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे, क्वेश्चन नंबर 45 कि पार्ट कैलकुलेशन व कंपेयर में काम में आता है, तो वो कौन सा है, एएलयू। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 46, ठीक है। कंप्यूटर की वर्ड लेंथ का मापन किया जाता है, तो बाइट दिया है, मिलीमीटर दिया है, मीटर दिया है, बिट्स दिया है। तो मैंने एक दिन बताया था कि वर्ड लेंथ से क्या मतलब होता है, कि हम कहते हैं जैसे कि मेरा प्रोसेसर 32 बिट है, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो प्रोसेसर एक समय में 32 बिट्स को रीड कर सकता है, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास अभी प्रेजेंट में i7 या i9 प्रोसेसर है, वो 64 बिट को क्या करते हैं, रीड करते हैं। तो यानी वो एक समय में 64 बिट्स को क्या करेंगे, रीड। तो पहले की तुलना में उसकी जो कैलकुलेशन का जो समय हो गया वो आधा हो चुका है, यानी स्पीड बढ़ चुकी है। तो हमेशा किस में लेते हैं, बिट्स में लेते हैं। तो यहाँ पर 46 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर डी ऑप्शन आ गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, ठीक है। 47 में क्या दिया गया है, स्टोरेज डिवाइस है। तो स्टोरेज डिवाइस, तो मैंने आपको मेमोरी पढ़ाया था, तो मेमोरी में वहां पर मैंने बताया था कि यहाँ पर दो प्रकार की मेमोरी होती है, एक मेन मेमोरी होती है, और मेन मेमोरी होती है, और दूसरी कौन सी होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो सेकेंडरी मेमोरी में मैंने बताया था कि आपका जो हार्ड डिस्क हो गया, ठीक है, हार्ड डिस्क हो गया, सीडी होगी, डीवीडी होगी, बीआरडी होगी, मैग्नेटिक टेप हो गया, ये सब क्या है, स्टोरेज डिवाइस है।
तो यहां पर कौन कौन सा दिया है, हार्ड डिस्क, सीडी, टैप, ऑल अबो। तो 47 में आपका डी ऑप्शन सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48। 48 में दिया गया है इंटेल कंपनी द्वारा निर्मित प्रथम माइक्रो प्रोसेसर। तो मैंने बताया था 1971 में इंटेल कंपनी ने क्या 4004 प्रोसेसर का निर्माण कराया था, जो कितने बिट था, 4 बिट था। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था 1972 में इंटेल कंपनी ने कौन सा 8008 प्रोसेसर बनाया था, वो कितना था, 8 बिट। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यही तो पूछा गया है, पहला प्रोसेसर कौन सा था, माइक्रो प्रोसेसर, तो वो कौन सा था, 4004 था। तो कौन सा ऑप्शन सही है, 48 में आपका सी ऑप्शन सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया है निम्न में कौन सी मेमोरी निर्माण के समय प्रोग्राम की जाती है। तो रीड ओनली मेमोरी होती है वो हमेशा केवल निर्माण के समय ही प्रोग्राम की जाती है। तो 49 में ए ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 50। निम्न में कौन सी मेमोरी को रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। तो मैंने आपको बताया था कि जो मेन मेमोरी होती है, ठीक है, या प्राइमरी मेमोरी जिसे क्या बोलते हैं, प्राइमरी, तो इसमें आपको मैंने बताया था एक रैम बताया था। तो रैम के दो भाग थे, एस रैम थे और दूसरा कौन सा था, डी रैम था। ठीक है, तो एस का मतलब क्या होता है, स्टैटिक, और डी का मतलब क्या होता है, डायनेमिक। तो मिक डायनेमिक, तो इसको बनाने के लिए हम फ्लिप फ्लॉप का यूज करते हैं, इसको बनाने के लिए हम कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहां पर कैपेसिटर को बार बार रिचार्ज की करने की आवश्यकता पड़ती है, यानी रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है। तो वो कौन सी मेमोरी है जिसे बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता है, तो वो कौन सी है, डी रैम। तो ऑप्शन कौन सा सही है, बी ऑप्शन आपका सही है। इसके साथ ही आपके जो माइक्रो प्रोसेसर 8085 के जो 50 क्वेश्चन थे वो उनका सॉल्यूशन हमने क्या किया, कंप्लीट कर दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम माइक्रो कंट्रोलर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।